हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे मेडिवल हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को। देखिए, ऐसा नहीं है इसमें क्वेश्चन भी है आंसर भी है, पर मैं ये सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और क्या चीज़ें हमें स्किप करनी है। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से समझौता किया? अब डायरेक्ट हम अगर ये क्वेश्चन देखें तो महाराणा प्रताप के बेटे का नाम क्या है? अमर सिंह। ठीक है, राणा अमर सिंह। तो किसने क्या किया था समझौता? जहांगीर ने समझौता किया था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। ठीक है, और जहांगीर किसका बेटा था? जहांगीर अकबर का बेटा था। और अकबर और किसके बीच युद्ध हुआ था? महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। ठीक है, तो अगर हम देखें तो महाराणा अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे और जहांगीर द्वारा कराए गए कई आक्रमणों में विफल हो गए थे। अंततः खुर्रम यानी कि शाहजहां ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। अमर सिंह हार कर जहांगीर से अपमानजनक संधि कर लिया। अब शाहजहां किसका बेटा था? शाहजहां बेटा था जहांगीर का, और जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, और जबकि शाहजहां का नाम क्या था? खुर्रम। और ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने। क्लियर है? तो मेवाड़ का अंतिम शासक किसे कहेंगे? अंतिम शासक कहेंगे महाराणा अमर सिंह को। ठीक है, या राणा अमर सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो धार्मिक नीति का मतलब आलोचना तो वही करेगा जो अकबर के दरबार में रहेगा। तो अकबर के दरबार में थे बदायूनी, और बदायूनी ने ही इसकी आलोचना की थी। क्यों की थी? क्योंकि जो बदायूनी थी तो कहीं ना कहीं में कट्टरता थी, और अकबर क्या चाहता था? अकबर चाहता था कि सभी धर्म एक जैसे हो जाएं, और इसीलिए अकबर ने क्या धर्म अपनाया था? दीन ए इलाही धर्म चलाया था। दीन ए इलाही, जिसमें सभी धर्मों को मिलाकर एक धर्म को बनाया गया था, तो उस धर्म का नाम है दीन ए इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए, अब अकबर की डिटेल में थोड़ा देखते हैं। अकबर धार्मिक नीति की आलोचना बदायूनी ने की थी। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। अकबर दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल थे। तो बहुत बार यही क्वेश्चन पूछा गया है कि दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाला अंतिम और प्रथम शासक कौन था, तो हम आंसर करेंगे बीरबल। ठीक है, और अगर हम बात करें दीन ए इलाही धर्म कब चला था, तो 1582 में चला था, और धर्म का नाम था दीन ए इलाही। क्लियर? कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो मुगल सम्राट अकबर जो था वो अनपढ़ था। ठीक है, और अनपढ़ था तभी उसने इतना अच्छा काम किया, नहीं तो क्या हो सकता था? उसमें कट्टरता हो सकती थी। ठीक है, फिलहाल ये अनपढ़ था अकबर, और अकबर महान भी कहा जाता है इन्हें। मुगल सम्राट अकबर अनपढ़ थे। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। विद्वान होने के बाद भी नहीं पढ़ा पाया, तो अब आप सोचिए, जो पढ़ने नहीं चाहता है उसको कोई नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि ये हमारा इतिहास हमें बताता है। तो सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। और अगर हम बात करें किसके गर्भ से हुआ था, तो हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम किसकी वाइफ थी? हुमायूं की। हुमायूं इसमें आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा, तो अकबर किसके बेटे थे? हुमायूं के। ठीक है, और कहाँ हुआ था? अमर कोट में हुआ था। और किसके घर में हुआ था? राजा वीरसाल। तो हमारा इतिहास पहले से ही बताता है कि हिंदू मुस्लिम में पहले भी एकता थी, जबकि अमर कोट के जो राजा थे, राजा वीरसाल ने इनको शरण दी थी, हमीदा बानो बेगम को। क्यों? क्योंकि उस समय निर्वासन पे चल रहे थे हुमायूं। ठीक है, हुमायूं को हरा दिया था किसने? शेरशाह सूरी ने। तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? अमरकोट में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालनेर नामक स्थान पर किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर पता चला था कि भाई जो हुमायूं था वो सीढ़ियों से उतरते हुए गिर गया था, क्योंकि इसको पढ़ने का बहुत शौक था और सीढ़ियों से गिर गया था, उसकी डेथ हो गई थी। तो ये कहाँ पर राजा बन गए? पंजाब के कालनेर पर। ठीक है, और इनका जो अंगरक्षक था बैरम खां, उसी ने इनको राजा बनाया था। ये आगे भी क्वेश्चन में हो सकता है आपको मिल ही जाए। निम्न में से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो कौन आया था हुमायूं के बाद? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया था? भूमि का मापन करना शुरू कर दिया था, और उस मापन का नाम क्या था? सिकंदरी गज। तो सिकंदरी गज का प्रयोग किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। और ये कितने इंच का होता था? 32 इंच का होता था। अगर हम बात करें ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया, तो शेरशाह सूरी ने किया है। अगर आपसे पूछे कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो हम कहेंगे सासाराम में। सासाराम कहाँ में आएगा? बिहार में आएगा। क्लियर है?
तो इतने क्वेश्चन, और अगर वो पूछना चाहेगा तो पूछ सकता है, क्लियर है। बाकी अगर डिटेल में नहीं दिया तो हम आगे एक्स्ट्रा आपको बता ही दे रहे हैं। नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाता है जिसमें आपको मिलान करना रहता है। मिलान करने का मतलब ये हुआ कि आपको कुछ डिटेल दी रहेगी, जैसे यहाँ डिटेल दी गई है ए बी सी और डी में, और इधर डायरेक्ट आपका क्या लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है 1565, 1526, 1757, 1576। अब अगर आपको याद होगा तब आपको चुनना पड़ेगा, चाहे ए वाला आपका आंसर हुआ, इसका मतलब ए में 2 होगा, बी में 3 होगा, सी में 4 और डी में 1, ठीक है। तो ए बी सी डी में से आपको चुनना होता है। अब इनमें से अगर एक भी आपको याद है तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पानीपत की लड़ाई याद है तो पानीपत का युद्ध जैसे ही आप देखेंगे तो पानीपत का युद्ध 1526, इसका मतलब ए में सेकंड होना चाहिए। अब ए में देखिए कितने में सेकंड है, ए में सेकंड दुइये में है, तो इसका मतलब हमारा तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचा, अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये बचा कि हमें अगर कोई और लड़ाई याद हो तो, जैसे प्लासी की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई किसके बीच हुई थी, अंग्रेज़ों के बीच हुई थी, ठीक है। अब अंग्रेज़ों के बीच हुई थी और किसके बीच हुई थी, प्लासी की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई हो गई थी आपके जो बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के जो शासक थे, ठीक है, सिराजुद्दौला, ठीक, तो सिराजुद्दौला से लड़ाई हो गई। तो अब सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला में कन्फ्यूजन होइएगा, क्योंकि शुजाउद्दौला जो थे, शुजाउद्दौला अवध के नाम थे, शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला, और जबकि सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब थे। तो जो बंगाल के नवाब थे उनसे लड़ाई नहीं हुई थी, शुजाउद्दौला से हुई थी, और शुजाउद्दौला कहाँ का था, बंगाल का नवाब था। तो ब्रिटिश इंडिया और बंगाल के नवाब के बीच युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, 1757 में, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया प्लासी का युद्ध 1757, इसका मतलब हुआ सेकेंड में 3। तो अब इन दोनों में से कोई सेकेंड में 3 आना चाहिए, तो इसमें पहले में ही सेकेंड में 3 आ रहा है, तो अब आगे का हमें याद भी नहीं होता तो हमें कोई लेना देना नहीं था, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, ए हो जाता, क्लियर है। तो हमें कभी कभी ऐसा होता है कि दो ही तीन चीज़ याद होती है, तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड से आंसर कर सकते हैं। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1 अप्रैल 1526 को, किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच कब युद्ध हुआ था, 23 जून 1757, जिसे प्लासी का युद्ध कहते हैं, और इसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होगी, पूरी तरह से यहाँ पे शासन करना शुरू करेगी। जैसे यहाँ पर देखें पानीपत में, तो लोदी वंश का अंत हो जाता है और फिर बाबर आ जाता है और मुगल वंश का शुरुआत कर देता है, यानी मुगल वंश की स्थापना कर देता है। पहली बार तोपों का प्रयोग भी करता है बाबर, ठीक है। तो बाबर अपने साथ क्या लाया था, तोपे लेकर आया था। फिर हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था, तो शाहजहां यानी खुर्रम के बीच में, और किसके बीच हुआ था, राणा। देखिए अभी क्वेश्चन क्या की पढ़ा था हम लोगों ने, देखिए क्या क्वेश्चन था यहाँ पे, नेक्स्ट वाले में, इसमें देखिए अभी हमने आपको क्वेश्चन समझाया था इसको, और आपको शायद याद भी हो गया होगा, राणा अमर सिंह, ठीक है, महाराणा अमर सिंह, ठीक। तो महाराणा अमर सिंह के बीच में युद्ध हुआ था, किसके बीच में, खुर्रम यानी शाहजहां और अमर सिंह के बीच में, और संधि किससे हुई थी, जहांगीर से हुई थी, क्लियर। और अभी हम क्या कह रहे थे, युद्ध किसके बीच में हुआ है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ है, क्लियर। तो अब सोचिए कि दो तीन पुश्तों में लगातार युद्ध हुआ था, दो तीन पुश्तों का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने कहा आपको जहांगीर, तो जहांगीर किसका बेटा था, जहांगीर बेटा था अकबर का, ठीक। अब अकबर से लड़ाई किसकी हो गई, महाराणा प्रताप की, और महाराणा प्रताप के बेटे का नाम क्या था, राणा अमर सिंह, और राणा अमर सिंह से लड़ाई किसकी हो गई, जहांगीर की नहीं, खुर्रम की लड़ाई हो गई, ठीक है। तो समझ लीजिए महाराणा अमर सिंह कितने बूढ़े हो गए रहे होंगे, तो खुर्रम यानी शाहजहाँ से लड़ाई हुई थी, शाहजहाँ से, ठीक है। तो शाहजहाँ से लड़ाई हुई और शाहजहाँ ने इनको मजबूर कर दिया कि ये आकर जहांगीर से क्या करें, अपमानजनक संधि करें, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य अगर आपने सुना होगा हरिहर बुक्का, ठीक है, तो हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। तो ये विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण सल्तनत के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध, और कब हुआ था, 1565। तो हमें तालीकोटा नहीं भी याद होता तब भी हम आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है। तो अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आपसे पुस्तक से भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा, तो गीत गोविंद पुस्तक जो है वो है जयदेव की, ठीक। तो आंसर होगा जयदेव, गीत गोविंद, गीत गोविंद जयदेव की रचना है। श्री कृष्ण की गाथाओं के रासलीला, वियोग वर्णन, व्याकुलता, उपलवन, कृष्ण की राधा के उत्कंठा, राजा के द्वारा वीरा के संताप,
अब आपको इतना फालतू की चीज़ कुछ नहीं याद करना है, आपको सिर्फ क्या याद करना है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव, क्लियर। क्योंकि हम क्या ऐसा कोई भी पेपर देने नहीं जा रहे हैं जिसमें रचनाओं से ज़्यादा इतना डीप में पूछे। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए किसने फ्रांसीसियों की मदद ली थी, ठीक है? तो ब्रिटिश शासकों को उखाड़ फेंकने के लिए मदद ली थी टीपू सुल्तान ने। और कहाँ पर लड़ाई हुई थी, मैसूर के रंगपट्टनम में, और मैसूर है कहाँ पर, कर्नाटक में है ना, और क्या होगा यहाँ पर, हार जाएंगे ये, है ना। तो अंग्रेजों से युद्ध किया और नेपोलियन का सहयोग मांगा था। फिलहाल इससे अभी हमें कोई मतलब नहीं, हमें क्या याद रखना है कि भाई फ्रांसीसियों की मदद किसने ली थी ब्रिटिश के खिलाफ, तो टीपू सुल्तान ने। कौन सा युद्ध हुआ था, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, हैदर अली टीपू के बीच और ब्रिटिश शासकों के बीच में। निम्नलिखित कौन सा दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था, तो इसका मतलब आपको ये देखना है कि कौन सा लेखक था, तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा। तो दिल्ली सल्तनत में अमीर खुसरो हुए हैं, मिनहाज उस सिराज हुए हैं और जियाउद्दीन बरनी हुए हैं, अब्बास खां शेरवानी नहीं हुए हैं, क्लियर है। नेक्स्ट, लेखकों में अभी देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछना चाहे वो, तो कुछ रचनाओं से लेकर अभी क्वेश्चन पूछता ही रहता है, तो आपसे पूछे जैसे अब्बास खां की कौन सी रचना है, तो अब्बास खां ने लिखा था तारीख़ शेर शाही, तो ये शेर शाह के टाइम पे थे और शेर शाह सल्तनत में काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। अमीर खुसरो को देखे तो अमीर खुसरो की कुछ पुस्तकों के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। जैसे कौन सी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, आपसे पूछ लिया तुगलक नामा किसने लिखा है, तो ये अमीर खुसरो ने लिखा है, ठीक है। और आपसे पूछ सकता है मिफ्ताह उल फतूह, कभी कभार पूछ सकता है, पूछ ले, वैसे रेयर ऑफ द रेयर चांस है। केवल आपसे तुगलक नामा पूछता है, तुगलक नामा किसने लिखा है, अमीर खुसरो ने लिखा है। मिनहाज उस सिराज ने कौन सी बुक लिखा है, इन्होंने फारसी भाषा में लिखा है तबकाते नासिरी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तबकाते नासिरी किसने लिखा है, तो इसे किसने लिखा है भाई, मिनहाज उस सिराज ने लिखा है। जियाउद्दीन बरनी, ये भी सल्तनत काल के थे, फारसी भाषा में लिखते थे, तो इन्होंने क्या लिखा था, तारीख फिरोज शाही, क्या लिखा है इन्होंने, तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहांदरी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो कितने क्वेश्चन हमें याद करना है, यहाँ से तुगलक नामा याद करना था, और क्या याद कर लेना था, तबकाते नासिरी, फिर हमें क्या कर लेना था, तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहांदरी, केवल इतनी ही पुस्तकों को हमको देख के चलना है। अब आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि इनमें से कौन सी पुस्तक सल्तनत काल की नहीं है, ठीक। तो इन पुस्तकों का नाम आपको पता होगा तभी आप बाहर करके पाएंगे। और फिलहाल आप ये मत सोचिएगा कि पता नहीं कौन सी बुक दे दे, पता नहीं कौन सी बुक नहीं देता, जो हाईलाइट बुक होता है वही देता है। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे, तो अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने, ठीक है, अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता कहा जाता है, यानी तूतीय हिंद, ठीक है, तो तूतीय हिंद किसको कहा जाता है और किसके दरबार में कवि थे, ये क्वेश्चन पूछता है। तो अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे, तो ये दरबारी कवि किसके थे, अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। अमीर खुसरो इन्होंने कई शासकों का शासन देखा, जैसे 8 शासकों का काल देखा था, ठीक। क्यों, अब 8 शासकों का मतलब ये हुआ कि एक राजा आता, दूसरे को हराता, फिर राजा आता था। अब चूंकि ये कवि थे, तो कवि से क्या मतलब, कवि को हर कोई रखता है भाई गाना वाना सुनने के लिए, तो जो राजा बनता उसी की चापलूसी करते, गाना उनको सुनाते तो खुश रहते, तो कौन निकालेगा ऐसे लोगों को, है ना। अब भाई फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी आ जाए, तो अरिजीत सिंह का गाना हमेशा फेमस रहता, तो अरिजीत सिंह का गाना तो गवाएगा ही ना, कोई भी फिल्म आए तो। आप देखिए, अरिजीत सिंह का एक फिल्म में गाना नहीं, कई फिल्मों में गाना है। उसी तरीके से जो अमीर खुसरो हैं, एक राजा के शासन में नहीं थे, 8 शासकों के शासन में थे, ठीक है। और अमीर खुसरो ने ही कहा था हनूस दिल्ली दूरस्थ, चलिए ठीक है, देखते हैं। अमीर खुसरो मुस्लिम कवि थे, परंतु हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग करते थे। इन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी को एक साथ किया, और खड़ी बोली का, खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो कहा जाता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और व्याकरणात्मक शैलियों में हिंदी का प्रयोग किया और एक फारसी नई शैली की रचना की, फारसी का भी इन्होंने जन्म दिया। सबके ए हिंदी अर्थात हिंदुस्तानी शैली, और इन्हें तूतीय हिंद भारत का तोता, तुर्कल्लाह जैसी उपाधि भी दी गई है, क्लियर है। फिर अब हम क्या कहेंगे, मुस्लिम कवि थे, हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग करते थे, हिंदी और हिंदवी,
हिंदी को ये कहते थे हिंदवी, तो कभी कभी पेपर में पूछता है हिंदी शब्द को हिंदवी किसने कहा है, तो अमीर खुसरो। तूतीय हिंद किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो। तुर्कल्लाह किस उपाधि किसे दी गई, अमीर खुसरो। खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो। कव्वाली का जनक अमीर खुसरो। आठ सुल्तानों का काल देखने वाले अमीर खुसरो। क्लियर है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो ये हरिहर राय और बुक्का राय दोनों भाई थे, है ना। फिलहाल अब ऑप्शन में तो बुक्का राय भी दिया है, हरिहर राय भी दिया है, तो वरीयता हमें हमेशा बड़े भाई को देना पड़ता है, ठीक। फिलहाल दोनों ही थे, तो संगम वंश की इन्होंने स्थापना की थी, और हरिहर और ये बुक्का दोनों भाई थे। 1336 की बात है ये, है ना। तो पेपर में ये भी आपको थोड़ा ध्यान देना है, वैसे ये क्वेश्चन आयोग ने फिर बाद में गलत मान लिया था, और इसका नंबर भी दिया गया था स्टूडेंट को, तो इसके लिए डरिएगा मत, क्योंकि कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आयोग बाद में अपनी गलती को स्वीकार करता है, ठीक है। इसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था इब्न बतूता, और कहाँ का था ये, मोरक्को का था, ठीक है, मोरक्को का यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और आप देखिएगा जितने भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं क्वेश्चन यहीं से बनेगा, अगर मिडवेल क्वेश्चन में उसको पूछना है तो, ठीक है। किसके शासनकाल में इब्न बतूता आया था, तो हमने बता दिया मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आया था, और मोरक्को का निवासी था। फिलहाल इसमें दिया है कि नहीं दिया है कोई मतलब नहीं बनता है, आपको इतना फालतू में नहीं देखना है, लेकिन हाँ इसका यात्रा वृत्तांत जिसका नाम रेहला है, तो आपसे रेहला पूछ सकता है, रेहला बुक या यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है, तो इब्न बतूता ने लिखा है। कहाँ से आया था ये, यह आया था मोरक्को से, मोरक्को मतलब अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका का निवासी था ये, मोरक्को एक अब देश बन गया है अफ्रीका का ये, ठीक है। अब आपसे हमने क्या कहा था कि इस तरह का टेबल फॉर्म आता है, बड़ा इमामबाड़ा, निषाद बाग, फिरोज शाह कोटला, हुमायूं का मकबरा, और इधर आपको प्लेस दे दिया है, और सबका मिलान करना है, ठीक है। और इसमें ये क्या कह दिया है, सही नहीं है, इसका मतलब एक कोई गलत होगा और बाकी सब सही होगा। तो हुमायूं का जो मकबरा है, ठीक है, वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में, पर यहाँ पसंद दिया है इलाहाबाद, तो यही वाला गलत हो गया, और हमें यहाँ का करना था नई दिल्ली, बाकी सारे सही हैं। तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे है, लखनऊ यानी नवाबों का शहर। निषाद बाग कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। और फिरोज शाह कोटला कहाँ पर है, दिल्ली में। और फिरोज शाह कोटला का नाम बदल दिया गया है, अब क्या कर दिया गया है भाई, अब आपके जो पूर्व वित्त मंत्री थे, ठीक है, अरुण जेटली जी, तो अरुण जेटली जी का नाम कर दिया गया, अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था, सिकंदर लोदी आया था 1489 में और शासन किया था 1517 तक, क्लियर। चलिए अगर हम बात करें सिकंदर लोदी, तो 1489 1517 बहलोल लोदी का पुत्र था, या उसका उत्तराधिकारी कहिए। उसका मूल नाम था निज़ाम खां, और 17 जुलाई को ये सुल्तान सिकंदर शाही की उपाधि से दिल्ली पर बैठा था। स्वर्णकार हिंदू माँ की संतान था, मतलब कि इसकी जो माँ थी वो सोनार, जानते होंगे जो सोना बनाते हैं, ठीक है, तो इसकी माँ जो थी वो सोनार थी या स्वर्णकार थी, ठीक है। धार्मिक दृष्टि से सिकंदर लोदी आयशाशुर था, ठीक। वह विद्या का पोषक व प्रेमी था। गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 को उसकी मृत्यु हो गई, तो गले में इसकी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से इसको मृत्यु हो गई थी। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था, तो न्याय की जंजीर बनवाने वाले ने ही अन्याय कर दिया था, और ये थे जहांगीर, ठीक है, और गुरु अर्जुन देव के बच्चों को मरवा दिया था, गुरु अर्जुन देव के पांचवें गुरु जो थे सिखों के अर्जुन देव, उनको मरवा दिया था। क्यों मरवाया था, क्योंकि इनका जो पुत्र था जहांगीर का खुसरो, ठीक है, और वो शासन करना चाहता था, राजा बनना चाहता था, तो इन्होंने ये कहा कि ये इनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, और इसी के केस में उसको सजा दे दी फांसी की। भारत में जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है, तो 1605 से 1627। देखिए हम कोई फालतू के क्वेश्चन आपको नहीं बता रहे हैं, ये वही क्वेश्चन है जो UP SSC के फेवरेट क्वेश्चन है, और बार बार ये पूछे जाते हैं, कभी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा जाता है, कभी ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और कभी पूछ लेता है, चित्रकला का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो हम कहते हैं जहांगीर के काल को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ, तो शेरशाह सूरी ने ही सबसे पहले रुपया चलवाया था, ठीक है, शेरशाह सूरी। अगर पूछेगा नोट सबसे पहले किस देश में चली, तो हम कहेंगे चाइना में, क्लियर, लेकिन राजा की बात कर रहा है, सिक्का किसने चलवाया, तो आंसर हो जाएगा हमारा शेरशाह
सूरी। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठा गया? अभी हमने क्या बताया था इसके पहले, काला नौर में, ठीक है। और जो पुस्तकालय था उसका नाम था दीन पना, उसी की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई थी हुमायूं की, ठीक है। और ये कालानौर क्या क्या बन गए थे, शासक बन गए थे अकबर। और कालानौर था कहाँ पे, पंजाब में। राजतिलक किसने किया था, जो इनका अंगरक्षक था उसका नाम था बैरम खां, पर यहाँ पर शायद दिया नहीं है, हाँ दिया है यहाँ पर बैरम खां, क्लियर। अब आपको मिलान करने का क्वेश्चन था, और इसमें कहा गया कौन सा सुमेलित नहीं, इसका मतलब तीन सही हैं एक गलत है, और कौन सा गलत है वही हमें देख लेना है। तो बाबर नामा किसने लिखा था, बाबर, बाबर पढ़ा लिखा था तो इसी ने लिखा था। शाहजहाँ नामा, शाहजहाँ नामा लिखा था मोहम्मद ताहिर इनायत खान ने, ठीक है, तो मोहम्मद ताहिर दिया है तो ये भी सही हो गए। फिर तीसरा है हुमायूं नामा, जिसे किसने लिखा था, गुलवदन बेगम, और यहीं पर आपको फंसा देता है, हुमायूं नामा हुमायूं, ठीक है, तो हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं लिखा था, गुलवदन बेगम ने लिखा था। तुज़के जहांगीरी किसने लिखा था, जहांगीर ने लिखा, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ये श्रृंखला है, एक भी क्वेश्चन अगर आप मिस कर रहे हैं तो आपके एक नंबर छूट जाएंगे, फिर आप खुद को दोष देते रह जाएंगे और कुछ होने वाला है नहीं। इन क्वेश्चनों को हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन फिर से हम एक क्वेश्चन दो तीन हैं इसमें कर देते हैं आपका। भारत में जहांगीर का शासनकाल कब से होता है, 1605 से 1627 में। पहली मुद्रा किसने शुरू की थी, शेरशाह सूरी ने शुरू की थी। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो कासगंज में हुआ था, कासगंज पड़ता कहाँ है, मुलायम सिंह का संसदीय क्षेत्र एटा के पास पड़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, और खुसरो जो थे वो खड़ी बोली के जनक और तबला वाद्य यंत्र के भी जनक माने जाते हैं, क्लियर है। और कव्वाली का जनक भी इनको कहा जाता है, तूतीय हिंद कहा जाता है। आठ शासकों का शासन देखा था, तो बड़े ही फेमस थे खुसरो जी, इसीलिए हमेशा खुश रहते थे। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में, ठीक। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, 1556 में, और अफगान का शासन था आदिल शाह सूर, और हिंदू सेना नायक हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के मध्य हुआ था, मुगल बादशाह अकबर के मध्य हुआ। और युद्ध का प्रारंभिक क्षण हेमू के पक्ष में जा रहा था, लेकिन उसकी आंख में तीर लग गया, बहुत ही बहादुर यह था, अगर इसकी आंख में तीर न लगा होता तो शायद अकबर को हरा देता। तो जब इसकी आंख में तीर लग गया तो जो इसका अंगरक्षक था बैरम खां, इसने क्या किया था, तुरंत ही जब तीर लगी और इसके असहनीय दर्द होने लगा तो इसने तुरंत ही पकड़कर उसको मार दिया था हेमू को, ठीक है। और यह था द्वितीय युद्ध। किस गुरु ने आदि ग्रंथ लिखा है, आदि ग्रंथ, तो आदि ग्रंथ लिखा है गुरु अर्जुन देव जी ने। और अगर हम बात करें अर्जुन देव की, तो अर्जुन देव जी को फांसी दे दी गई थी, फांसी किसने दिया था, जहांगीर ने, न्याय की जंजीर लगाया था और इसी ने फांसी दे दिया था, ठीक है। तुलुक के राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो ये किया था वीर नरसिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो तुलु वंश अगर आपको देखना है तो हम आपको बता दें, तुलु वंश की स्टार्टिंग हुई थी 1505 से 1570 तक, आप सोच लीजिए काफ़ी टाइम तक इन्होंने शासन किया था। और इसका जो नायक था उसका नाम था नरसा नायक, और इसका पुत्र था वीर नरसिंह, ठीक है। और अगर हम बात करें द्वितीय, तो बाल पहार थे, इनको द्वितीय बाल पहार कहा जाता है, बट ये बहुत ही कम इम्पॉर्टेंट है ना, बहुत रेयर ऑफ द रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपको देखना है तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था, तो पहला कठपुतली मुगल सम्राट था जहांदर शाह, ठीक है, जहांदर शाह। और बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुआ था जहांदर शाह, और इसे अजीमुस्सान, रफीउल्सान और जहान शाह में हुए उत्तराधिकार में जहांदर शाह ने जुल्फिकार खां के सहयोग से सत्ता प्राप्त की थी। जहांदर शाह ने लाल कुमारी नामक वैश्या के शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे रखा था, ठीक है। तो लाल कुमारी इनको शासन नहीं करने दे रही थी, लोग इसे लंपट मूर्ख, तो लंपट मूर्ख क्वेश्चन पूछ लेता है जहांदर शाह। अजीमुस्सान के पुत्र फरुख सियार ने सैयद बंधुओं की सहायता से, अब्दुल खां एवं हुसैन खां जो सैयद बंधु थे, इनकी सहायता से जहांदर शाह की हत्या कर दी थी, किसने, फरुख सियार ने, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछे, लंपट मूर्ख किसे कहते हैं, जहांदर शाह को, ठीक है।
विजयनगर राज किस नदी के किनारे स्थित था? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे था। ठीक, किसने किया ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? ठीक है, तो हिंदू राज्य बना था कौन सा? विजयनगर। तो यहाँ पर महिलाएं क्या करती थी? कुश्ती में भी भाग ले रही थी और हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो जो सबसे ज़्यादा क्रूर माना जाता है औरंगजेब, यही शराब को छूता नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम है। ठीक है, तो गुलबदन बेगम जी ने ये बुक लिखी थी और इत्र की जनक भी हैं गुलबदन बेगम, है ना। कभी कभार पूछ ले, बहुत रेयर पूछता है। इत्र मतलब समझते हैं आप, सेंट, परफ्यूम। किस मुग़ल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाई? तो ये थे शाह आलम। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो जयचंद मारा गया था चंदावर के युद्ध में 1193 में, और मारा किसने था? मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, और मोहम्मद गोरी मार के चला गया था इसको, और मोहम्मद गोरी भी एक तरह का गुलाम ही था गजनवी का। ठीक है, आइए नेक्स्ट समझते हैं। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? यानी पानीपत का प्रथम युद्ध की बात हो रही, तो 1526 में, सबको पता है। और कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, और तुगलमाबद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुग़ल शासक के सहयोगी थे? तो ये हुमायूं के सहयोगी थे, हुमायूं चित्रकला का बहुत ही बड़ा प्रेमी था। नेक्स्ट, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो देखिए, कई क्वेश्चनों को अगर आप करते रहते हैं तो वो क्वेश्चन रिपीटेशन में हो जाते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? बैरम खां। अभी हमने क्या कहा था, कालांतर में इसका क्या किया गया था? राजतिलक कहाँ पर है? कालानौर। कालानौर है आपका पंजाब में, क्लियर है। तो और कौन था? बैरम खां इसका संरक्षक था, और इसी ने बना दिया था। क्यों बना दिया था? क्योंकि दीन पला जो सीढ़ी थी, मतलब दीन पना जो पुस्तकालय था, उससे उतरते समय किसकी मृत्यु हो गई थी? हुमायूं की। ठीक, और ये वहाँ का सम्राट बन गया था, पंजाब से सम्राट बना और फिर पूरे भारत का सम्राट। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है, तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें बीरबल। अब देखिए, अगर आपको नहीं भी पता होता, देखो बैरम खां क्या था? संरक्षक था। तुलसीदास इनके समय में समझना ही नहीं आपको। फिर बीरबल, बीरबल क्या था? इनका सेनापति था, है ना। तो अब बीरबल का कोई मतलब नहीं बना, ठीक। तो अब बचा कौन? रहीम खान खाना। तो ये हमें आंसर करना, फिलहाल रहीम खान लिखा है, इनका नाम था रहीम खान खाना। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और पहले हिंदू राजा जिन्होंने दीन ने इलाही धर्म अपनाया था, तो बीरबल, और अंतिम कौन थे? बीरबल। तो केवल एकमात्र एक व्यक्ति ने अपनाया था बीरबल, क्योंकि बीरबल बहुत ही प्रिय थे अकबर के, है ना। तो अकबर बीरबल की कहानी आप सुनते होंगे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, तो अभी क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया? रहीम खान खाना, ठीक है। और बैरम खां क्या था? संरक्षक था इनका। संरक्षक का मतलब होता है आज के समय अगर हम देखें तो बॉडीगार्ड, ठीक है। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? तो ये नष्ट हुआ था 1200 ईस्वी में, ठीक है। नालंदा बिहार में पड़ता है, और अगर हम देखें तो किसने बनवाया था? इसको बनाया था गुप्तकालीन सम्राट कुमार गुप्त ने। और अगर हम बात करें इसकी, तो कुमार गुप्त जो उत्तराधिकार में मिला था ह्वेनसांग के अनुसार, यानी ह्वेनसांग, अब ह्वेनसांग किसके समय आया था? देखिए, आप जब खुश होते हैं यानी हर्ष होते हैं तो क्या गाते हैं? सॉन्ग। तो ह्वेनसांग किसके समय पे आया था? ह्वेनसांग आया था हर्ष के समय पे। और ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार, ठीक है। बहुत ही स्मार्ट था ये, तो इसे यात्रियों का राजकुमार, क्योंकि सारे क्या थे? यात्री। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अब फिर क्वेश्चन आता है कि इसको तोड़ा किसने था, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसका, तो इसको तोड़ने का जो श्रेय जाता है वो था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार। तो बख्तियार ने इसको तोड़ा था, और ये किस वंश से संबंधित है? खिलजी से। तो बख्तियार खिलजी ने 1199 में इसका विध्वंस कर दिया था, तोड़ दिया था, ठीक। अब भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से
किसको जाता है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है और इस क्वेश्चन को आप करिएगा। अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा, और कमेंट में आप नहीं लिखेंगे तो आंसर वैसे भी आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आप इतने क्वेश्चन हमने बताए हैं आपको, और इन क्वेश्चनों को आप एक बार रिवीजन करिए, और इससे बाहर जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, और बिलीव करिए कि इतने क्वेश्चन करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, चाहे वो अभी प्री करा ले चाहे वो अभी आपसे मेंस करा ले। क्लियर है? तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।